क्या पूछिएगा आप लोग, ऐसे तो किया जाता है जंगल में भेज दिया सारा, नहीं तो दूर वाला भागन पाए ना कुछ पाए। तो एनटीए का प्रॉब्लम है ना अंकल, क्या कर सकते हैं। तो वो तो समझना चाहिए उन लोगों को ना कि के अंदर कैसे जाएगा बच्चे आदमी। इसके पहले दिलाए तो थे चारों तरफ खेत है ना, जाने का रास्ता है ना कुछ का खा रास्ता है, अगर पता लिखते हैं ठीक है। अच्छा अंकल की कुछ जो है शिकायतें हैं ग्राम सेंटर को लेकर के, क्या कहना चाह रहे हैं अंकल। ये जो कि ऐसे रखे कि दूर का हुआ चार पास का आदमी आराम से पहुंच जाए, 15-15-20 किलो और गांव के अंदर देंगे तो कैसे पहुंचेगा दूर का आदमी, तो दूसरे शहर से आला कहाँ से खोजेगा। सही एक जो गार्जियन गए थे एक कप चाय तो वो तरस गए थे वहाँ पर। चलिए ठीक है बात नहीं सही। एनटीए एग्जाम जब होता है ना तो सीयूटी वालों के हमको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ ये लैंडमार्क बना रहे हैं अपना, जिस इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं एग्जाम, कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जो पब्लिक बैठी हुई है एटलीस्ट वो ऐसी जगह पर बैठ जाए कि उन्हें कंफर्टेबल फील हो। अब यहाँ देखिए पब्लिक भेड़ बकरी की तरफ खड़ी है, उसे भूख लग रही है, बाकी अंदर वालों को भी बढ़ती रही है, बॉटल पानी भी आस पास जल्दी कहीं नहीं लगेगा। तो आप जहाँ लैंडमार्क बनाते हैं जहाँ स्कूल आप चूज करते हैं एटलीस्ट ऐसा चूज करिए कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को लेकर के आए हैं तो बच्चों के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा कर सकें, और बच्चे जब यहाँ से बाहर निकलेंगे या अभी कोई बात हो जाए आस पास दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, तो अगर शाम हो जाएगी यहाँ 6 बज जाएगा 7 बज जाएगा 8 बज जाएगा, यहाँ बच्चे जब शाम का एग्ज़ाम देते हैं ना तो उसके बाद फिर साधन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम इतना सर्वे करने के बाद ही इन कंपनियों को या सीयूटी जो भी है एनटीए तो एनटीए जो भी है तो आई थिंक इनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे एक टाइम के बाद जब वहाँ से छूट रहे हैं सेंटर से तो एटलीस्ट उन्हें साधन मिल जाए, वो सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएँ। ये बाबू जी परेशान हुए हैं वाकई में, मैं ऐसे लोकल से पब्लिक बात हूँ, साधन था लेकिन जो आजमगढ़ जौनपुर से ऐसे आए थे वो लोग पैदल 3-3 किलोमीटर गांव के अंदर गए हैं, उनका सोचिए कैसे खोजते खोजते गए कि कहीं पता नहीं चल रहा है, गांव वाले नहीं बता रहे कि यहाँ पे कॉलेज है, उस जगह पैसे लेके गए थे। बहुत बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे तो ये थोड़ा डर रहा है पता नहीं क्यों बोलने में, लेकिन नहीं बोलना क्या तुम क्या बोल रहे हैं, हम तो पहली बार उठा रहे हैं, बोलना क्या, हम तो पहली बार उठा रहे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं अंकल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं पहली बार, बंदूक कंधे पर रखे बंदूक चला रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, आप सबके लिए आप दोनों ने स्टैंड लिया है, जो भी कंप्लेंट्स है वो आप सबके रिगार्डिंग, हम तो लोकल थे हमें नहीं प्रॉब्लम था, जो बाहर से आए थे उनकी बात हम बता रहे हैं, उनकी जो बाहर से आए थे उनके लिए प्रॉब्लम की बात है, लोकल आदमी तो खोज ले रहा, मैं तो लोकल था मैं तो खोज लिया, जो बाहर से आ रहे हैं जो दूसरे शहर से आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे उनके बारे में सोचे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी इतनी सारी कंप्लेंट्स लोग एनटीए के अगेंस्ट कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे उन्होंने जाहिर किया। तो भाई अब हम भी अपने YouTube चैनल कॉमर्स नेशन के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि इनकी जो कंप्लेंट्स हैं इनकी जो शिकायतें हैं वो सब एनटीए के पास पहुँचे और इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें की जाए, कुछ प्लानिंग्स की जाए ताकि ये चीज़ें इम्प्रूव लेवल पर अगले टाइम से हमें नजर आए। ये जो बच्चों का सामान है अभी जो भी गवर्निंग काउंसिल है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, पर्टिकुलर जो कॉलेज है ये कॉलेज यहाँ पे जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने बच्चे इसमें एग्ज़ाम में शामिल होंगे सभी बच्चों का पैसा लेता होगा, और ऑलरेडी जो बच्चा एग्ज़ाम में जो अपीयरेंस करता है फॉर्म भर रहा है जब उसका इनिशियली तो उसका पैसा लगता है ना। अभी जैसे उसके गार्जियन उसके कैंडिडेट कोई भी आएगा यहाँ पर तो इन्होंने एक ये रूम बना रखा है जिस रूम में उनका पैसा जमा होता है, उसका कितना ले रहे हैं। मैंने तो जमा नहीं किया क्योंकि हम लीगल पैसा नहीं ले रहे, जितना भी ले रहे हैं इलीगल है। उसके बाद ये जो पार्किंग है, पार्किंग में जैसे कोई बच्चा आया अपनी पर्सनल स्कूटी से या बाइक से या कार से कोई भी वाहन है तो ये इतना बड़ा कैंपस है लेकिन इस कैंपस का कोई भी जो मालिक है अपने जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उसमें यहाँ पे रखा हुआ है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि आपका वाहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लेगा तो 20 रुपये लेगा वो अलग से इसका, बस 20 रुपये बाइक का लेगा। और एक बच्चा जो 50-100 किलोमीटर दूर से परेशान होकर के अपने वाहन से आ रहा है यहाँ परीक्षा देने के लिए, ये कोई गवर्नमेंट के सर्विस के लिए तो एग्जाम नहीं रहा, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है ना। कोई अंकल आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम के लिए, गाजीपुर से आ रहे हैं। मैं तो साथ में हूँ तो अपनी बाइक और बैग वगैरह रखा हूँ, अगर मान लीजिए बड़े बच्चे हैं मतलब
जिसमें मैक्सिमम 25 साल 22 साल 23 साल के बच्चे हैं, कोई बाइक लेके आया है, अब उसका बैग है तो बाइक का अलग से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पे चोरी हो जाए स्कूटी साधन का कोई इधर बगीचे में तो इनको आप लोग इनसे पूछो ना, इनके मालिक से पूछो बात करो भाई, आप लोगों ने इनका जो साधन खड़ा कराया है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या तो यहाँ का लोकल जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे कोई कांस्टेबल या कोई व्यक्ति भेजे जो इसकी निगरानी करे, या इसका सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा होना चाहिए, पर्टिकुलर एक एरिया बनाना चाहिए। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस एग्जाम सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बनारस में जितने भी ऑनलाइन पब्लिक ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है एक गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर, गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है अगर कोई डिग्री कॉलेज है या इंटर कॉलेज है तो वहाँ पे अगर एग्जाम होगा तो आप वाहन लेके जाएंगे, आपके वाहन का कोई जवाबदारी वहाँ पर नहीं लेता है, अगर लेगा तो उसका पैसा लेगा भाई। जब आपको कॉलेज के लिए इतना पैसा मिल रहा है, पैसा मिलता होगा तभी तो एक कॉलेज करवा रहा है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, एफिलिएटेड होगा किसी उससे तो इसको मिल रही है। यहाँ पे सर्वे होता है जो अधिकारी आते हैं, तो ये बात आप लोग आगे तक पहुँचाइए। दूसरी चीज़ है जो शहर के अंदर तो इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बहुत समस्या आ जाएगी, इतने और इतने बड़े कॉलेज भी नहीं है शहर के अंदर, और जो हैं उसमें उनका एग्जाम वगैरह चलते रहते हैं, तो ये बाहर है अच्छा है, कॉलेज ठीक है कोई बात नहीं, आने जाने अटेंडेंस का थोड़ा सा समस्या है, तो यहाँ से पांडेपुर से चौराहे से मिल जाता है, इधर से भी लोग कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं, अब कोई अगर अपना वाहन लेके आया होगा बच्चा अंदर चला जाएगा, उसकी गाड़ी का कोई जवाबदार नहीं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इन्होंने अपनी कंप्लेन जो है वो साधन जो जिन बच्चे जो साधन से आते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है एग्जाम सेंटर्स पर, और उन्हें बहुत सारी तकलीफें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं अपनी बाइक्स और अपने जो भी साधन है उनको रखने में, पैसे देने पड़ते हैं, बैग जमा होता है उसका, आप लोग वहाँ जाके पूछिए ना, उसके वीडियो बना और उसके एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, कभी कभी लीगल कोई पर्ची भी नहीं मिलती है।